मेरे प्रिय लोगों, प्रभु में आप आनंदित होंगे ऐसा भरोसा करता हूँ। आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से बधाई। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक फैमिलीज में सभी लोगों को प्रभु के हाथ में सौंप कर हम प्रार्थना कर रहे हैं। आज के दिन जो संदेश आप सुन रहे हो, परमेश्वर एक नया आशीष और नया सामर्थ आपको देकर सामर्थ्य बनाएगा। ठीक है, कल जो वचन मैंने बोला वही वचन जो है आज वापिस आपसे कह रहा हूँ, पर आज परमेश्वर जो वचन आपसे बात करने वाला है वह है प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 38वें वचन को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर उसके साथ रहा कि वह भलाई करता रहा। उसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। यहां पर देखिए, हर दिन पवित्र आत्मा के साथ हम अपना सफर जारी रख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, ना? वह आपके अंदर वास करता है, आपके अंदर वह घूम रहा है। पर यहां पर हम एक शब्द देखते हैं, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। आमेन। सामर्थ, सामर्थ, पावर, अंग्रेजी में पावर कहते हैं। पर न्यू टेस्टमेंट है ना, हमारा नया नियम, वह जो है मूल भाषा यूनानी भाषा में वहां पर डुनामिस नामक शब्द उपयोग किया गया है। तो इस सामर्थ शब्द का सही या हिंदी अर्थ देखा जाए तो अलौकिक, आमेन, सुपर नेचुरल पावर, ऐसा हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो आपने जो अभिषेक पाया है वह अलौकिक अभिषेक है ना? तो परमेश्वर के लोगों, प्रकृति से बढ़कर अलौकिक आशीषों को भी आप क्लेम कर सकते हैं। आमेन। सूर्य और चंद्रमा को पुराने नियम के पवित्र लोगों ने, यहोशू ने उसे रोका। आमेन। एलिया ने प्रार्थना किया और बरसात को रोका, और फिर प्रार्थना किया, बोला कि बरसात वहां पर बहने लगे। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय लोगों, इन आखिरी दिनों में परमेश्वर आपको अभिषेक से भरकर आपके अंदर के उस सामर्थ को जो है आप जब उपयोग करोगे, प्रैक्टिस जब करोगे, तभी आपके अंदर जो सामर्थ है वो बाहर उमड़ता आएगा। आमेन। अपने आप को आप साधारण मत समझिए। आप साधारण से भाड़े के घर में रह सकते हैं या बहुत बड़े बंगला में रह सकते हो, पर आपके अंदर जो सामर्थ है वह अलौकिक सामर्थ है। आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो। तो इन दिनों में अलौकिक सामर्थ को आप पाए हो। आप नहीं कह सकते ये नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं होगा, या फिर साधारण से कहते हैं ये कभी नहीं चलेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा के द्वारा मैं कहता हूं, अलौकिक अर्पुदों को करने वाला परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। मैं आपके अंदर हूं और आपका परमेश्वर हूं। आज जो कुछ भी है उसके अनुसार, आपके फ्रिज में आज कुछ नहीं हो सकता, आपके बैंक में कोई भी पैसा नहीं हो सकता, पर परमेश्वर पर भरोसा करने वाले सभी लोगों का उसका अनुग्रह पूरी तरह से घेर लेगा। मेरे प्रिय लोगों, क्यों आप विश्वास नहीं कर सकते उस सामर्थ को? उस सामर्थ को मेरे अंदर से बाहर निकलने लगे। यीशु ने कहा ना कि मुझे किसी ने छुआ है, किसने मुझे छुआ है? कैसे कह रहे हो जीसस? यीशु ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ बाहर गया है। तो आप इसे कैसे देखोगे? हमारे अंदर सामर्थ है, हमारे अंदर पावर है, पर आपका विश्वास मालूम है कब बढ़ेगा? आपके अंदर से जब वह सामर्थ बाहर जाएगा, बिजली की तरह छू कर ही देख पाते हैं ना कि बिजली है कि नहीं, उसी तरह अभिषेक में भर कर शत्रु के सभी पीड़ाओं को, सताए जाने को आप छुटकारा दे सकते हो। शैतान भागने लगेगा, चीख कर चिल्ला कर बाहर निकलेगा। विश्वास कीजिए, ठीक है? यीशु के नाम से, हे प्रभु यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य तूने भरा, मुझे भी तू भरा है।
हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए, मुझे भी तूने भरा है, मुझे और मेरे अंदर से वो सामर्थ बाहर बढ़ता रहे, मेरे कामों में बढ़ोतरी हो, उन्नति हो, सेविकाई में सभी प्रकार की समस्याओं को उठ खड़े करने वाले सभी प्रकार के शैतान की सामर्थ, बच्चे जो अनादर करते हैं यीशु मसीह के नाम से भगाते हैं और जय प्राप्त करते हैं, इस प्रार्थना को तो अंगीकार कर रहा है प्रभु। मेरे साथ हाथ उठाकर आमेन कहिए, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, सचमुच तुम्हारे प्रार्थना को परमेश्वर सुना है। परमेश्वर में साहस बनकर ये फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।